नेताजी सुभाष बोस ने देश की पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फहराया था। देश ने उस विस्मृत इतिहास को भी भव्य आकार दिया है। अंडमान निकोबार के द्वीपों को स्वतंत्रता संग्राम के नामों पर रखा गया है। आजाद इन सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर भी आयोजन किया गया, तिरंगा फहराया गया और नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके अमर गौरव को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। जलियांवाला बाग में स्मारक हो या फिर पाइक आंदोलन की स्मृति में स्मारक, सभी पर काम हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े जो सात दशकों से भूले बिसरे पड़े थे, उनका भी विकास देश ने पंचतीर्थ के रूप में किया है। इन सबके साथ ही देश ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को देश तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पहुंचाने के लिए हमारे आदिवासियों के संघर्ष की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में म्यूजियम बनाने का एक प्रयास शुरू किया है।